आज हम बात करेंगे नागपंचमी व्रत व पूजन विधि के बारे में। नागपंचमी हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष के पंचमी को नागपंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा की जाती है और उन्हें दूध से स्नान कराया जाता है। इस दिन नागों की पूजा प्रधान रूप से की जाती है। आइए जानते हैं नागपंचमी व्रत व पूजन विधि के बारे में। प्रातः उठकर घर की सफाई कर नित्य कर्म से निवृत्त हो जाएं। पश्चात स्नान कर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन के लिए सेवई चावल आदि ताजा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नागपंचमी से एक दिन भोजन बनाकर रख लिया जाता है और नागपंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। फिर कच्चे दूध में कोयला घिसकर उससे गेरू पुती दीवार पर घर जैसा बनाते हैं और उसमें अनेक नागदेवों की आकृति बनाते हैं। कुछ जगहों पर सोने चांदी काठ व मिट्टी की कलम तथा हल्दी व चंदन की स्याही से अथवा गोबर से घर के मुख्य दरवाजे के दोनों बगलों में 5 फन वाले नागदेव अंकित कर पूजते हैं। इस व्रत के देव 8 नाग माने गए हैं। इस दिन में अनंत वासुकी पद्म महापद्म तक्षक कुलीर करकट और शंख नामक अष्ट नागों की पूजा की जाती है। चतुर्थी के दिन एक बार भोजन करें तथा पंचमी के दिन उपवास करके शाम को भोजन करना चाहिए। पूजा करने के लिए नाग चित्र या मिट्टी की सर्प मूर्ति को लकड़ी की चौकी के ऊपर स्थान दिया जाता है। फिर हल्दी रोली चावल और फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद कच्चा दूध घी चीनी मिलाकर लकड़ी के पट्टे पर बैठे सर्प देवता को अर्पित किया जाता है। पूजन करने के बाद सर्प देवता की आरती उतारी जाती है। सुविधा की दृष्टि से किसी सपेरे को दक्षिणा देकर या दूध सर्प को पिला सकते हैं। और फिर दीवार पर बनाए गए नाग देवता की दधि दूर्वा कुशा गंध अक्षत पुष्प जल कच्चा दूध रोली और चावल आदि से पूजन कर सेवई व मिष्ठान से उनका भोग लगाते हैं। पश्चात आरती कर कथा श्रवण करना चाहिए। अंत में नागपंचमी की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पूरे श्रावण माह विशेष कर नागपंचमी को धरती खोदना निषिद्ध है। इस दिन व्रत करके सांपों को खीर खिलाई व दूध पिलाया जाता है। कहीं कहीं सावन माह की कृष्ण पक्ष की पंचमी को भी नागपंचमी मनाई जाती है। इस दिन सफेद कमल पूजा में रखा जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार सर्पों को पौराणिक काल से ही देवता के रूप में पूजा जाता रहा है, इसलिए नागपंचमी के दिन नाग पूजन का अत्यधिक महत्व है। ऐसी भी मान्यता है कि नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप के डसने का भय नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सर्पों को दूध से स्नान और पूजन कर दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। यह पर्व सपेरों के लिए भी विशेष महत्व का होता है। इस दिन उन्हें सर्पों के निमित्त दूध और पैसे दिए जाते हैं। इस दिन घर में प्रवेश द्वार पर नाग चित्र बनाने की भी परंपरा है। मान्यता है कि इससे वह घर नाग कृपा से सुरक्षित रहता है।